होशियार चीन सोच रहा था कि किसी तरह भारत को मक्खन लगाकर अपने अरमान पूरे कर लिए जाए। इसके लिए चीन ने ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया मानो वह भूमंडल का सबसे शाकाहारी प्राणी है और इस पर रहने वाले प्रत्येक मानव का वह शुभचिंतक है। परंतु उसकी योजना को उस वक्त करारा झटका लगा जब भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। यानी चीन की जो उड़ान शुरू होने वाली थी वह पंख लगने से पहले ही छूमंतर हो गई। दरअसल थाईलैंड में चल रहे तीसरे आर्च ईपी शिखर सम्मेलन यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का हिस्सा बनने से मोदी सरकार ने इनकार करके चीन की महत्वाकांक्षा को कमजोर कर दिया है। यदि मोदी सरकार चीन के साथ यह समझौता करती तो भारत के बाजार चीनी उत्पाद से पट जाते, जबकि इस वक्त भारत में जनता चीनी प्रोडक्ट के खिलाफ लामबंद हो रही है। अमेरिका से ट्रेड वार के चलते दिन प्रतिदिन घाटा उठा रहा चीन 16 देशों पर अपने डोरे डालने की फिराक में था। चीन की चाल यह थी कि आरसीईपी को लक्ष्य बनाकर वह अपना काम निकाल ले जाए। दरअसल आरसीईपी एक व्यापार समझौता है। यह सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार करने की सहूलियत देता है। समझौते के अनुसार सदस्य देशों को आयात व निर्यात पर लगने वाले टैक्स या तो बिल्कुल नहीं भरना पड़ता या बहुत ही कम भरना पड़ता है। इसी आरसीईपी समझौते पर 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हस्ताक्षर करने थे। चीन इस समझौते के लिए इन प्रमुख 6 देशों को घुट्टी पिलाने की फिराक में था, लेकिन भारत चीन की चालबाजियों से वाकिफ था। दुनिया का एक विशाल बाजार होने के नाते भारत को राजी करना चीन के लिए एक चुनौती थी, पर भारत ने उसके सारे दांव पैच एक झटके में ही तितर बितर कर दिए। अमेरिका से विवाद के चलते चीन इस समझौते को जल्द से जल्द लागू करवाना चाहता था, क्योंकि इससे उसे अपने सस्ते और घटिया सामान को निर्यात करने के लिए नए दरवाजे खोलने थे, मगर भारत उससे 2 कदम आगे निकला। पर मामला केवल इतना ही नहीं है। यदि आरसीईपी के व्यापार समझौते पर भारत हस्ताक्षर कर देता तो उसे चीनी उत्पादों पर 80% तक शुल्क घटाना होता, जिसके बाद चीनी उत्पाद सस्ते होने के कारण भारतीय उद्यमियों और कारोबारियों को चीन भरोसे कर देते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उत्पादों पर भी 86% और आसियान, जापान व दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले उत्पादों पर 90% शुल्क कम किए जा सकते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इन देशों को भारत का निर्यात कम है जबकि आयात बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर समझौते के मुताबिक भारत आयात टैक्स घटाता तो उसका व्यापार घाटा बढ़ जाता, जबकि चीन और अन्य देशों का भारत में निर्यात ज्यादा होने से उनकी बल्ले बल्ले हो जाती। इनमें से कई देश तो आज भी ऐसे बचे हैं जिन्होंने भारत के लिए बाजार सही अनुपात में नहीं खोले हैं। इसलिए 15 देशों की इस मंडली में 11 देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है। ऐसे में भारत द्वारा इस समझौते को स्वीकार करने से उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक क्षति का सामना करना पड़ सकता था। यानी भारतीय बाजार पर एक मुश्त अधिकार की चीनी लालसा के तोते उड़ा दिए गए हैं। हालांकि चीन आसियान के 10 देशों बुर्नई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड के कुछ देशों के साथ ही इस समझौते के तहत व्यापार कर रहा है, मगर इससे इन देशों को ही नुकसान उठाना पड़ा है। चीन की बड़ी चाल यह थी कि वह किसी तरह भारत को सहमत कर ले। इसके लिए उसने भारत को चीन से निर्यात घाटा कम करने का सब्जबाग भी दिखाया, पर भारत चीन की चालबाजियों से पूरी तरह वाकिफ है। खास बात यह है कि भारत के लोगों में राष्ट्रवाद और चीन के प्रति गुस्से से चलते चीनी निर्यात में भी कमी आई है। चीन इस बात को लेकर भी चिंतित है। वह भारत में निर्यात बढ़ाने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। आरसीईपी भी उसी हथकंडे की एक कड़ी थी। यानी चीन का सूर्यास्त करने में भारत की तरफ से एक बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। लोगों की सोच और चीनी प्रोडक्ट की घटिया गुणवत्ता के कारण अब भारत में उसके चमक दमक वाले उत्पादों का क्रेज खत्म हो चुका है। हालत यह है कि लोगों ने चीनी उत्पादों को अपने स्टैंडर्ड से जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। इससे भी चीनी प्रोडक्ट की मांग में भारी गिरावट आई है। 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में इससे बढ़िया मोदी दौरा हो ही नहीं सकता था।
इसने उन भारतीय उद्यमियों के चेहरे पर भी रौनक लौटा दी है जो समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर घबराए हुए थे। चीनी उत्पाद पर राष्ट्रवाद एक बार फिर जीत गया। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।